हाँ जी, तो हमें घर पर आए हुए एक लंबा वक्त गुजर चुका है और इस दौरान हमने अपने रूटीन को बहुत ही नुकसान पहुंचाया है। एंड इस चीज़ के चलते हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हमें चीज़ें नहीं याद रह पा रही हैं, वेट तो अलग ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से बढ़ता चला जा रहा है, और तो और हमें ऐसा खुद फील होने लग गया है कि हमने ज़िंदगी में कभी एरोस्पेस का कुछ पढ़ा ही नहीं था। तो फाइनली हमने डिसाइड कर लिया है कि अब हम वापस से रूटीन में आएंगे। एंड इसलिए हमने अपनी एक नोटबुक में आज शुरुआत के लिए कुछ टास्क डिसाइड करके रखे हैं और इनको पढ़ के ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल होने। आज की शुरुआत मेरी होनी है रनिंग करके, और मैं डर इसलिए रहा हूँ बिकॉज पिछले 8 महीनों में मैं एक बार भी नहीं दौड़ा हूँ और अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि मैं दौड़ना भूल गया हूँ। बट कोई नहीं, ट्राई करते हैं, रूटीन पे आना है वापस। यहाँ कैसे दौड़ूंगा? तो दौड़ने वाला तो हो गया, पर बड़ी मुश्किल से हुआ, दौड़ा नहीं जा रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था जो दौड़ना भूलिए। रूम तो आप देख ही रहे हो, तो सफाई करनी पड़ेगी। अब समझ में आ रहा है कि मम्मा जितनी बार रूम में आते थे क्यों डांट के जाते थे। धूल से भरा हुआ मेरा रूम। तो ये जी हो गया एक और टफ वाला काम। अभी तक कहा लिए कि आई ट्राइड टू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट, बट जो भी ये प्रोजेक्ट है मैं बता नहीं रहा, बिकॉज अगर ये कंप्लीट होता है तो मे बी यू विल गेट टू सी दिस ऑन दिस चैनल और समवेयर, ठीक है, कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा। सो ये जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था यार, मतलब अभी ये हाल है कि मेरे से बामुश्किल आधे घंटे ही मैं इस पर काम कर पाया, ना आधे घंटे बाद मेरे को ऐसा लग रहा था भाई पता नहीं कितना टाइम हो गया है, एंड देन मेरे को ये रोकना पड़ा। बट हाँ, उसके बाद मैंने फिर थोड़ी देर मम्मा के साथ टाइम बिताया एंड फिर मम्मा के साथ बैठ कर, मम्मा अपना न्यूज़पेपर है जो भी वो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे, एंड मैंने बुक पढ़ी। पढ़ रहा था, इसका नाम था डीप वर्क एंड उनके जो राइटर थे उसका नाम था कार्ल न्यूपोर्ट करके कुछ, एंड इनके ना स्टार्टिंग चैप्टर में बहुत ही प्यारी एक चीज़ लिखी हुई थी एंड एक टेक्निक का नाम दिया हुआ था, एंड टेक्निक का नाम था ईट द फ्रॉग टेक्निक। सो मेरे साथ जो हुआ कि मैं सुबह से काम कर रहा था, ठीक, जो मैंने टास्क बनाए हुए थे, एंड बीच तक आते ही मेरे अंदर एनर्जी नहीं बची है, मेरा मन नहीं किया, एंड वही था कि प्रोजेक्ट पे सिर्फ आधा घंटे से भी कम काम कर पाया। एंड इस टेक्निक में ऐसा बोलते हैं कि जो भी आपका टास्क है जो आपको अनकम्फर्टेबल बना रहा हो या फिर जो आपको टिपिकल लग रहा हो उसको हमेशा नंबर 1 पे रखो, एंड उसके बाद फिर बाकी टास्क उसके नीचे लगाते चले जाओ। ये पूरा मेरा दिन था जहाँ पे मैं अपने रूटीन को सेट करने की कोशिश कर रहा था। 2 काम बचे हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो फ्राइडे तक मिल जाती है सुबह, तो इसका मतलब ये कि मैंने ये 2 काम भी आज के आज ख़त्म कर दिए थे, एंड मैंने जो रूटीन के लिए अपने आपको फॉलो करने का बनाया था वो मैं फॉलो कर ले गया। अब से कोशिश रहेगी कि ये रूटीन थ्रू आउट 1 वीक तक रहे, एंड देन फिर 1 वीक बाद थोड़े बहुत चीज़ें और ऐड करता जाऊँगा जिससे कि दिन और थोड़ा प्रोडक्टिव होता जाए। रेस्ट यार, सुना है कि फिर से कोविड का लॉकडाउन का सीन पड़ रहा है एंड कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना जितने लोग कॉलेजेस में हो, यूनिवर्सिटीज़ में हो, कि क्या सिचुएशन है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब सब लोग अपना ख्याल रखिए, और बहुत बहुत शुक्रिया यार सब्सक्राइबर कम्प्लीट करा दिए 1000 तक, ऐसे ही जुड़े रहो यार। लव फ्रॉम लखनऊ।